गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बगड़िया बाल विद्या निकेतन. इन प्रीवियस क्लास, इन क्लास 6, वी हैव कंप्लीटेड द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. उनमें से अपन ने दो प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में अपन ने कर ली थी, जो थे अपीरियंस और सेकेंड था हार्डनेस और सॉफ्टनेस. ठीक है, वो अपन ने कर लिए थे. तो टुडेज जनरल कैरेक्टर्स आर इन फर्स्ट थ्रू द विजिबिलिटी. अब मटेरियल्स जो होते हैं उनमें विजिबिलिटी होती है खुद की, है ना. कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, मे पास थ्रू. कुछ ऐसे होते हैं कि वो पूरी लाइट को पास नहीं करने देते, पास थ्रू द पार्शियली लाइट. कुछ लाइट को वो पास होने देते हैं. और सम मटेरियल्स आर दोज विच डू नॉट पास थ्रू द लाइट. कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देते हैं. ठीक है, तो देखिए थ्रू द विजिबिलिटी जो जनरल कैरेक्टर है उसमें तीन मेन जो मटेरियल्स होते हैं वो है, देखिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स और ओपेक मटेरियल्स. ठीक है, तो देखिए ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं. ट्रांसपेरेंट आर ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट में पास थ्रू. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पूरी लाइट जो है वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है. ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लास है, ग्लास में से आराम से जो है पूरी लाइट पास हो जाती है, है ना. ग्लास हो गया. उसके बाद कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है ना, उसमें भी लाइट जो है वो आराम से आसानी से पूरी टोटल पार्शियल नहीं होकर के कंप्लीट लाइट पास होती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गए, ऑब्जेक्ट दोज इन विच द लाइट पास थ्रू देम. पूरी लाइट जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, पास. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेज या मटेरियल्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं. एग्जाम्पल हो गए ग्लास हो गया और शुगर और जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो भी लाइट को पास करता है. देखिए नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पार्शियली पास करते हैं. देखिए द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट में पास पार्शियली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइट पार्शियली पास होती है. ठीक है, पार्शियली मींस हाफ लाइट जो है वो पास हो जाएगी, कुछ लाइट है वो पास ना होगी. तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मिल्की ग्लास है ना, दूध का ग्लास होता है, तो वो हाफ जो है ट्रांसल्यूसेंट का काम करता है, कुछ लाइट पास हो जाएगी. और जो फ्रोस्टेड ग्लास आते हैं है ना, जिनमें फॉग्स ऐसे टाइम पर, बारिश के टाइम पर हो जाता है ना फॉग, तो आधा बाहर का ट्रांसपेरेंट नहीं होकर के ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, विच लाइट डजेंट पास थ्रू, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करते हैं. तो द ऑब्जेक्ट विच आर doesn't pass through the light, ऐसे object through which light doesn't pass, ऐसे object जिनमें से light बिल्कुल pass नहीं होती, जैसे wood है ना, metals हैं, उनमें से light pass नहीं होती है बिल्कुल भी. ठीक है, तो ये है through the visibility characters of object or materials. उसके बाद देखिए next character है वो good और bad conductors of electricity. तो अपन बात करते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, है ना. कंडक्टर्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट विच कंडक्ट द लाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, है ना. उनको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, चलाते हैं उनको, है ना. तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं. और द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो लाइट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर्स हो जाते हैं. ठीक है, देखिए जैसे जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो भी मेटल्स हैं, सारे मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. और बैड कंडक्टर्स की अपन बात करें या इंसुलेटर्स की अपन बात करते हैं, तो वुड है, कुछ प्लास्टिक होते हैं, रबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है,
फिर देखिए गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स और जो नहीं कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएंगे, मेटल्स हैं वो भी कंडक्ट करते हैं हीट को, लेकिन वुड जो होती है वो लकड़ी या रबर प्लास्टिक ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं इसलिए हीट को ये कंडक्ट नहीं करेंगे। फिर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, कंबस्टिबल क्या होते हैं, दे कैच फायर ऑन हीटिंग, ऐसे सब्सटेंसेस दे कैच फायर ऑन हीटिंग, जब उनको हीट करते हैं तो वो फायर उनमें आ जाती है, वो कैच कर लेते हैं फायर को, जलने लग जाते हैं। कंबस्टिबिलिटी मतलब होता है जलने वाले जो भी सब्सटेंसेस हैं, तो कंबस्टिबल मींस कि दे कैच फायर ऑन हीटिंग, जब उनको गर्म करेंगे तो वो फायर को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं कंबस्टिबल, जैसे कि वुड है, फाइबर्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं जब इनको गर्म करते हैं तो ये फायर को कैच कर लेते हैं। इसके बाद कंबस्टिबिलिटी के बाद देखो फ्लोट और सिंक, प्रॉपर्टी है ये भी सब्सटेंसेस की, फ्लोट होना और सिंक होना इन द वाटर। ठीक है, देखिए फ्लोट कौन से हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस, दीज आर द डेंसर देन वाटर, कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं वाटर से डेंसर होते हैं, है ना, डेंसर होते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, सिंक हो जाते हैं इन द वाटर। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, दीज आर द डेंसर लेस देन द वाटर, वो क्या होते हैं वाटर से लेस डेंसर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, सिंक यानी डूब जाना, फ्लोट करना यानी मतलब तैरते रहना। तो जो हल्के चीज़ें हैं वो क्या करेगी, वाटर पे फ्लोट करती हैं, और जो भारी चीज़ है ना, वेट में डेंसर ज़्यादा है देन द वाटर, तो वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी। और डेंसर लेस देन द वाटर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर से क्या है, लेस डेंसर है, कम डेंसर है, भारी है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसमें तैर जाएगा। ठीक है, फ्लोट और सिंक। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब है डिसॉल्व हो जाना, सॉल्युबिलिटी का मतलब है डिसॉल्व हो जाना। सम सब्सटेंसेस आर डिसअपीयर इन द वाटर, कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं वाटर में डालने से डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस या मटेरियल्स, सॉल्युबल मटेरियल्स और सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, दीज आर नॉट डिसअपीयर व्हेन द डिसॉल्व इन द वाटर। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको वाटर में डालने से वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग भी जो मटेरियल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या हो जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, जैसे कि वाटर है, वाटर में अपन ने शुगर डाली, ठीक है, फिर उसको क्या किया, अपन ने उसको मिक्स किया तो वो डिसअपीयर हो जाती है शुगर, है ना, दैट मीन्स द शुगर इज सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अपन मिट्टी लेते हैं, सैंड, सॉयल लेते हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होती है, इसका मतलब द सॉयल इज नॉट डिसॉल्व या इनसॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टर है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद और भी कैरेक्टर्स हैं वो अपन पढ़ेंगे, जैसे मिजिबल और इमिजिबल होता है, मिजिबल और इमिजिबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या हो जाते हैं, मिक्स इन द वाटर, तो वो तो कहलाते हैं मिजिबल। और दे आर डू नॉट मिक्स ऑन द वाटर, अगर कुछ सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं तो दीज आर द इमिजिबल लिक्विड्स, लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, तो मिजिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, मिक्स इन द वाटर, और इमिजिबल डजेंट मिक्स इन द वाटर, जैसे कि ऑयल है, तो ऑयल जो है वाटर में कभी भी मिक्स नहीं होता है, अगर मिक्स होता भी है, व्हेन द मिक्स दे आर मेक सेपरेटेड लेयर्स, अगर मिक्स हो भी जाते हैं तो एक अपना सेपरेट लेयर बना लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे से देखा होगा पानी में अपन अगर वो डालते हैं ऑयल, तो वो ऊपर ऊपर रह जाता है ना, तैरता रहता है। तो मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड भी क्या होते हैं, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है, इमिजिबल और मिजिबल। मिजिबल क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इन द वाटर,
इमिजिबल डजेंट मिक्स इन द वॉटर। ठीक है, तो ये जो है जनरल कैटेगरीज या जनरल जो कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो हो गई मटेरियल्स की। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स और मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।